Hello, students, welcome back to my YouTube channel. So, uh, in this video, we are going to see about the practicals for 11th standard geography. Uh, I have already uploaded uh, the, all the practicals from 1st to 10th for 12th standard HSE board examination. So, as the board examination was very near, the syllabus was updated this year. So, it was very much necessary to upload the practical for 12th standard now many of my subscribers my viewers had requested me for the practicals for 11 standard so today i'm going to tell you how are you going to write uh, the practical number 5 that is topo sheet interpretation of relief so this practical is again based on the same topo sheet that is 63k slash 12 which is based on mirzapur so how to interpret the relief so regarding that we are going to see so, always, uh, whenever you write a practical, you are going to give a proper heading, the number of the practical, and the aim. You're going to start with the aim. So, first, you're going to write the aim, the introduction, and whatever material is required. to do your practical theek hai so these things are already present in your textbook you can open your textbook and go through it to jo bhi textbook mein likha hai wahi maine yahan pe journal mein likha hai theek hai so you can see your aim is written introduction लिखा है फिर material जो आपको ज़रूरी है practical करने के लिए वो आपको लिखना है तो so, first question क्या है convert वन is टू फिफ्टी थाउजेंड इन टू वर्बल स्केल यूजिंग मेट्रिक ठीक है अभी इसको क्या करना है आपको वर्बल स्केल में कन्वर्ट करना है वर्बल स्केल मतलब क्या कि हम वर्बली जैसे बताते हैं वन सेंटीमीटर हाँ इतना मीटर है वन uh, सेंटीमीटर है तो कितना फिफ्टी uh, मीटर्स है इक्वल्स टू फिफ्टी मीटर्स वन सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू टैन मीटर्स सो दिस इज व्हाट इज़ वर्बल स्केल वर्बली हम बताते हैं जिससे हमें वी कैन जस्ट मेक एन एनालिसिस कि हाँ दिस इज द डिस्टेंस एंड दिस इज द वे वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट ठीक है सो दिस इज़ द कन्वर्जन तो वन इज़ टू फिफ्टी थाउजेंड इज कन्वर्टेड इन टू अ वर्बल स्केल दैट इज़ वन सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू फाइव हंड्रेड मीटर्स नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर टू है वॉट इज़ द वैल्यू ऑफ द हाइस्ट पॉइंट ऑन द मैप तो सबसे हाइएस्ट जो पॉइंट है मैप में अभी रिलीफ है तो रिलीफ में आपको क्या देखना है कि फ्लैट सरफेस है या माउंटेनियस एरिया है लैटिट्यूड एल्टीट्यूड वो सारी चीज़ें आपको रिलीफ में देखने हैं ठीक है थीके? तो अभी यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि हाईएस्ट पॉइंट आपको देखना है उस टोपोशीट में तो हाईएस्ट पॉइंट जो है वो है देवो फुला एंड इट इज़ टू ज़ीरो एट मीटर्स नेक्स्ट है क्वेश्चन थ्री वॉट मेजर लैंड डू यू सी ऑन दिस मैप अभी मैप के अंदर आपको लैंड कौन से कौन से दिखाई दे रहे हैं तो मैप के अंदर यू कैन सी द लैंड फॉर्म्स लाइक प्लेन रीजन तो कहीं पे आपको दिखाई दे रहा है कि फ्लैट सरफेस है तो उसको आप क्या बोलोगे कि इट इज़ अ प्लेन रीजन सो वेर इट इज़ नॉर्थ नॉर्थ में प्लेन रीजन है साउथ इज़ कवर्ड विथ प्लेट्यू रीजन विथ अन ईवन रिलीफ सो कुछ हिल्स भी है ओके okay. तो हिल्स की जो हाइट है वो है वन हंड्रेड एंड टेन टू वन हंड्रेड एंड सेवेंटी मीटर्स हाइट ठीक है सो दीज थिंग्स यू कैन मैंशन इन दिस नेक्स्ट नेम द मेजर फिजिकल डिविजन्स यू सी इन द टोपोशीट अभी फ़िजिकल जो मेजर मेजर मतलब लार्ज एरिया कवर करने वाले जो फिज़िकल डिविजन्स है आपको आपके टोपोशीट में वो आपको इसमें लिखने हैं ठीक है सो दो मेजर फिज़िकल डिविजन्स हैं वो है गंगा प्लेन्स जो है नॉर्थ साइड में और सेकेंड है छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है साउथ साइड में Next is what is the average elevation of the area in the north part? So, the average elevation is of 80 meters above the sea level. Okay, elevation means a hike, a rise in a relief. Next, what is the difference in northern and southern part? The northern part has elevated at 80 to 90 meters, the southern part has elevated from 120 to 190 meters. सो द डिफरेंस ऑफ सेवेंटी फाइव मीटर्स इज देयर इन द एलिवेशन तो आपको टेंटेटिव नॉर्थ और साउथ के एलिवेशन के डिफरेंस आपको दिखाने हैं सो द राइट आंसर इज सेवेंटी फाइव मीटर्स का एलिवेशन आपको दिखाई देता है नेक्स्ट है कमेंट अपॉन द नेचर ऑफ द काउंटर्स सो द काउंटर्स ऑन द सदन पार्ट्स आर वाइडली स्प्रेड ओवर द प्लेट्यू रीजन वेरिंग फ्राम वन ट्वेंटी मीटर्स टू वन नाइंटी मीटर्स and the counters on the southeast side is closely arranged meaning that the land and the hills are very steep while on the southwest side had spread at the counters the highest counters are located in the southeast side at 175 to 200 meters so you can write this about the counters which you can see on the topo sheet नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर एट राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द रिलीफ ऑफ द एरिया अभी रिलीफ में हमने देखा है कि कुछ एरिया में प्लेन्स है प्लेट्यूज है तो प्लेन्स क्या होते हैं सो प्लेन इज अ फ्लैट फ्लैट सरफेस होता है ठीक है जहाँ पे कुछ एलिवेशन कुछ नहीं होता है ठीक है जनरली इट हैज़ नो चेंज नो एलिवेशन ठीक है सो बेसिकली इट हैज इट इज़ सीन अलॉन्ग द वैलीज या फिर माउंटेंस के नीचे का जो सरफेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं प्लेन्स प्लेट्यू इज़ वॉट प्लेट्यू इज़ अगेन अ फ्लैट सरफेस, लेकिन वो एलिवेटेड होता है मतलब राइज होती है उस पर इट इज़ अ पार्ट ऑफ लैंड विच इज़ एलिवेटेड राइज़ होता है उसमें थोड़ा सा सराउंडिंग एरिया से वो एरिया ज़रा ऊपर होता है ठीक है एंड प्लेट्यू ऑकर ऑन एवरी कॉन्टिनेंट एंड दे टेक अप अ थर्ड वन थर्ड पोर्शन ऑफ द अर्थ्स लैंड and they are one of the four major landforms which is found okay so four major landforms कौन से होते हैं एक है plateau एक है mountain next is plains and third is hills so इन में से plateau भी एक बहुत बड़ा uh, landform है which is found on the earth surface ठीक है अभी टोपोशीट कैसे डाउनलोड करना है सो so, ये मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हो ठीक है सो ऑलरेडी द शीट्स आर डाउनलोडेड दिस वन दैट इज सिक्सटी थ्री के स्लैश टूल्व आई आइव ऑलरेडी डाउनलोडेड हाउ टू डाउनलोडेड आई हैव टोल्ड इट इन टूल्थ स्टैंडर्ड के प्रैक्टिकल के वीडियो में तो आप जाके उसमें से आप देख सकते हो ठीक है अगर आपको टोपोशीट की पीडीएफ चाहिए टोपो शीट टोपोशीट रेडीमेड आपको इमेज चाहिए यू कैन जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप यू विल गेट एन आइडिया ओके सो दिस इज़ व्हाट इज़ द प्रैक्टिकल व्हिच वी हैव डिस्कस टुडे सो दिस प्रैक्टिकल वाज़ रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ टोपोशीट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीफ सो दिस इज़ योर प्रैक्टिकल नंबर फाइव Okay. any query, uh, any query regarding this practical you can comment me in the comment section. Uh, if, you, uh, if you find any difficulties you can join the telegram group uh, the link I'll be sharing in the description box. Kindly join the telegram group. Thank you for watching do subscribe the channel if you like the video.